हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सेकिरो शैडोज डाई ट्वाइस। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अशीना डेप्थ वाला एरिया जो कि आज ख़त्म हो जाएगा, जस्ट एक मेन बॉस फाइट रह गई। और उसके अलावा आज हम लोग इस एपिसोड में जो हमारी अंडर वाटर लूट है एक्चुअली उसे टैकल करेंगे। अब तक जितने भी हम लूट मतलब अंडर वाटर एरियाज के छोड़ के आए थे उससे, तो इससे पहले के चल के मैं फाइट स्टार्ट करूं, कुछ आइटम्स जो इस फाइट में हेल्प कर सकते हैं हमारी वो मैं इक्विप कर लेता हूं। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो ये स्नैप सीड्स चाहिए, क्योंकि स्नैप सीड्स इल्यूजन्स को मतलब हटाने में हेल्प करते हैं। नॉर्मल एनिमीज़ जैसे कि लेडी बटरफ्लाइज हमारे इर्द गिर्द स्पॉन करती थी, वो एक ही स्नैप सीड यूज़ करने से वो ख़त्म हो जाते थे। बट क्योंकि बॉस है तो ये उसे इंस्टेंटली मार नहीं देगा, बट उसकी अच्छी खासी हेल्थ जो है वो कम कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे फिस्ट फुल ऑफ एश बॉस को टेम्परेरीली स्टन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, मतलब कुछ डैमेज डील करने के लिए। और उसके अलावा मुझे यहाँ पे चाहिए शिनोबी फायर क्रैकर्स, अगेन ये बॉस को स्टन करके कोई दो चार हिट्स उसको पर लैंड करके सेफली हम लोग पीछे हट सकते हैं। एक्चुअली बात यह है कि इस बॉस की हेल्थ और मतलब बॉस बहुत ज़्यादा है और अच्छा खासा जो है वो पोस्टर बार हमारा भी फिल करता है, और इसका अपना पोस्टर बार जो है बॉस का वो बहुत स्लोली फिल होता है, तेज़ी से रिकवर होता है अनटिल इसकी जो हेल्थ है वो अच्छी खासी कम नहीं हो जाती। इसीलिए मैंने ये स्नैपसीड वगैरह कर लिए हैं इक्विप, ताकि मैं जल्दी जल्दी इसकी हेल्थ जो है वो ड्रेन करके इसके पोस्टर को बिल्ड करने पर काम शुरू कर सकूँ। बहरहाल लेट्स गो। और एक्चुअली स्नैप सीड्स जो हैं वो जस्ट 3 बार इसके ऊपर हेल्प मतलब काम करेंगे। ऑलराइट, तो स्नैप सीड का असर अब इस पर नहीं होगा। ओह शिट, पीछे की तरफ मैंने कर ली थी, तो ये 5 हिट कॉम्बो है और ये हमारा पोस्टर अच्छा खासा फिल कर सकता है। लेट हो गया मैं, नाइस। वैसे मुझे लगता है कि मुझे इचीमोंजी यूज करनी चाहिए। ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ओके, आगे नहीं आया वो। वेरी नाइस, एंड देयर वी गो। और इसी के साथ ही ये डोर ओपन हो जाएगा, बट फिलहाल हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। जो फाउंटेन हेड पैलेस में जाने के लिए एक आइटम चाहिए था हमें, लोटस फ्लावर के साथ एक शेल्टर स्टोन, वो एक्चुअली यहां से मिलेगा हमें। लेकिन उस स्टोन को अभी हम पिक नहीं कर रहे, क्योंकि स्टोन को पिक करते ही जो अशीना कासल है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल हम नहीं चाहते हैं। सो अपनी अटैक पावर इंक्रीज कर लें, और अब हमारे पास अंडर वाटर डाइव करने की एबिलिटी मौजूद है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, ये नहीं करना था, सॉरी। एल्डन रिंग की तरह जो है वो फास्ट ट्रैवल करने के लिए जी बटन दबा रहा था। हमें ट्रैवल करना है अशीना कासल, और या बिल्कुल स्टार्ट पे।
मैं तरतीब से एक्चुअली जो अंडर वाटर लूट है वो पिक करना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आशीना कासल से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आशीना आउटस्कर्ट्स में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम अंडर वाटर डाइव करके कोई लूट पिक कर सकते हैं। लेट्स गो हियर। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ नहीं है। ट्रेजर कार्ड स्केल, नथिंग। वेट अ सेकेंड। ओके, तो चलें वापस आइडल पे, और उसके बाद एक्चुअली हम लोगों ने फास्ट ट्रैवल करना है ओल्ड ग्रेव आइडल पे, क्योंकि उसके करीब एक डाइव करने वाला पॉन्ड था। वहाँ एक्चुअली एक हेडलेस हमारा वेट कर रहा होगा। ट्रैवल करें आशिना कासल और ओल्ड ग्रेव। राइट, सो एटलस से फाइट कर रहा था, मैंने कन्फेटी यूज़ कर लिया है पानी में जंप करने से पहले ही, क्योंकि पानी के अंदर हम आइटम्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। हील कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे तेज़ी से इस बंदे को मारना पड़ेगा। क्योंकि ओके, कन्फेटी का असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और पानी से बाहर निकल के ही फिर हम दोबारा कन्फेटी यूज़ कर सकेंगे। ओके, ऑलराइट, तो कन्फेटी का असर ख़त्म हो गया है, लेकिन स्टिल पैक कर पा रहे हैं हम लोग। सही, अच्छा है, मुझे नहीं था आइडिया कि हम लोग इस तरीके से इसे मार सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है अंडर वाटर फाइट किए हुए। इज डेड। हैवी कॉइन पर्सेस, और एक आइटम ये रहा, एक आइटम और होना चाहिए यहाँ पे इस साइड पे। ओके, और इसके साथ ही जो अंडर वाटर लूट थी आशीना कासल में वो एंड हो चुकी। तो यहाँ से अब जाना है हम लोगों ने सेंपो टेंपल। सेंपो टेंपल में बहुत छोटी सी जगह है, बस एक पॉन्ड है जहाँ से लूट पिक करनी है एक्चुअली हम लोगों ने, बट वो एक्चुअली काम की चीज़ है। ट्रैवल, सेंपो टेंपल और टेंपल ग्राउंड्स आई थिंक। वो आइडल एक्चुअली हम लोगों को चाहिए जहाँ पे आर्मर्ड वॉरियर को हराने के बाद हम लोग पहुंचे थे। वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ इस पॉन्ड में इनको मारें, और अब अंडर वाटर डाइव। तो वो एक आइटम बहुत इम्पोर्टेंट। ओ नो 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 नो, इजी, एक प्रेयर बीट, और अगर होली चैप्टर इन्फेस्टेड
अगर किसी वजह से भी आप लोगों का मिस हो गया, जो कि मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि वो मिस हो गया हो, तो वो एक्चुअली यहाँ पे हमें पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये हो चुका और मज़ीद एक्स्ट्रा यहाँ कुछ नहीं है, तो वापस चलें आइडल पे और हमारे पास अब 4 प्रेयर बीड्स होनी चाहिए, तो एक और जो है वो हमारा नेकलेस तैयार हो जाएगा। और लास्ट एपिसोड में जो हमें गोड सीड मिला था वो भी मैंने मेडिसिनल वाटर में एक तरह से चेंज करवा लिया था एमा को देके इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले। सो 7th प्रेयर नेकलेस, नाइस। और अब एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ से जाना है इराटा स्टेट और स्टेट पाथ। ओके सो यहाँ से एक्चुअली हमें दोबारा बाहर की तरफ जाना है। यहाँ पे वो मिस्टर पोर्ट नोबल है, एक मर्चेंट एक टाइप का। मे भी मैंने यहाँ से पिक कर ली थी सागरा कार्प्स, अगर यहाँ पे अपेयर नहीं हो रही तो। अदरवाइज यहाँ पे भी 2 सागरा कार्प्स होती हैं, बट और अगेन अंडर वाटर डाइव करके भी यहाँ पे सागरा कार्प्स होंगी। ये भी एक और होती है यहाँ पे, जब कंफर्म नहीं पता। ओके अ सेकंड, ओके ये रही एक। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 सरफेस के ऊपर होती हैं और 2 अंडर वाटर। उसके अलावा यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई आइटम होता है। जस्ट इन केस मैं चेक कर रहा हूँ। यप, तो इससे आगे हम लोग वैसे भी नहीं जा सकते हैं। तो ये हो चुका और अब हमें हिराटा स्टेट में एक दूसरी जगह पे डाइव करनी है। तो यहाँ से ट्रैवल करना है हिराटा स्टेट और थिकेस्ट स्लोप जो भी आइडल था। तो इधर तो यहाँ पे भी सरफेस पे एक कार्प होगी और एक ये अंडर वाटर, और आई गेस यहाँ पे जस्ट यही चीज़ होती है, कोई आइटम नहीं है पिक करने वाला। मे बी इस एरिया में एक साकरा कार्प होती है, मुझे कंफर्म नहीं पता, बट ये एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे से हम लोग ऊपर से डाइव करते हैं अपना वो जो शिनोबी टूल है पिक करने के बाद, मिस्ट रेवन वाला। ये हो चुका और मेरे ख्याल से इसी के साथ हिराटा स्टेट भी जो है वो एंड हो चुका। अब यहाँ से अशिना कासल, अबैंडन डंजन, डंजन मैं सबसे लास्ट में आऊँगा,
ये हो गया संकन वैली, लेट्स गो टू ट्राइंग संकन वैली गनपोर्ट। ओके संकन वैली चले। ओ नहीं ये नहीं, इससे पीछे वाला अंडर श्राइन वैली एक्चुअली, मतलब जो हमारा पहला पहला आइडल होता है संकेन वैली का, जब ये वाला। यहाँ पे जो हेडलेस बॉस फाइट है वो एक्चुअली अंडर वाटर नहीं है, होगी वो सरफेस पे ही, सरफेस से मुराद फ्लोर पे, बट हेडलेस तक पहुँचने का जो रास्ता है वो अंडर वाटर होके जाएगा, तो इसलिए हमें ये स्किल चाहिए थी। तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कम ऑन ब्रोस। वन ऑन वन फाइट करना ज्यादा बेहतर था, ये हमारा टाइम बहुत सारा जाया करवा रहे हैं। ओके 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 वी गॉट इट, एक गया। हमारे हीलिंग आइटम सारे इन लोगों ने खा लिए, हेडलेस फाइट में क्या करेंगे हम लोग। वाओ ऑलराइट, डेफिनेटली मुझे ये फाइट नहीं करनी चाहिए थी। चल 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 काम खत्म कर। ओके सो दो हीलिंग गॉड्स और नो रेजरेक्शन पॉइंट, हम हेडलेस से फाइट करने के लिए जा रहे हैं। नॉट अ गुड आइडिया, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि सिंपली आप लोग अवॉइड करो इन एनिमीज को, क्योंकि कोई भी हमें आइटम नहीं मिला इनको मारने से, कोई फायदा नहीं है इस फाइट का। Yeah.
नाइस। रिफ्लेक्शंस मुझे अपनी परफेक्ट रखनी चाहिए। अबे यार पकड़ जाऊंगा मैं, मे बी बचत हो गई। ऑलराइट सो इसी के साथ संकेन वैली का ये वाला पार्ट भी एंड हुआ। पाइन ग्रास, उसके बाद ग्रेव वैक्स। ग्रेव वैक्स इंतहाई रेयर अपग्रेड मटेरियल है। तो ये हो गया, जस्ट एक चेक कर रहा हूँ लूप मार के कोई और चीज़ पीछे कर रहती है तो। वी आर गुड, लेट्स गो। और मज़ीद अभी संकेन वैली में हमारी दो जगहें हैं जहाँ से लूट पिक करनी है, और उसके बाद हम लोग मूव कर सकते हैं मेबू विलेज की तरफ। तो यहाँ से अब हम लोगों ने जाना है रिवन केव। तो ये एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे मतलब पानी में हम लोगों ने जंप की थी, जायंट स्नेक हम पे अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं पिक करने वाली। एक ये बंदा, एक और कार्प स्केल। ये कार्प स्केल एक्चुअली उस जगह पे है जहाँ पे हम लोगों ने डाइव स्टार्ट की थी अपनी। एक साकरा कार उस साइड पे है। नाइस। काच एंड शुगर, और अब यहाँ पे कुछ आइटम्स वगैरह होंगे पानी में सिंपली पिक करने वाले। एडमेंटाइट स्क्रैप, और यहाँ पर बल्जिंग क्वाइन पर्स। मजीद या मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मजीद कोई और चीज़ है। तीन स्केल्स के अलावा गाजन शुगर, एडमेंटाइट स्क्रैप और क्वाइन पर्स बल्जिंग वाला, एंड वी आर गुड। दोबारा आइडल पे चलें, और नेक्स्ट हम लोगों ने जाना है जहाँ पे हम लोगों ने उस गार्डियन एप को हराया था। छोटी सी जगह है बिल्कुल एक। सो ट्रैवल गार्डियन एप्स वाटरिंग होल। तो यहाँ पे वाटरफॉल होगा ये वाली जगह, यहाँ पे हम लोग डाइव कर सकते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे पिक करने के लिए जस्ट एक आइटम है, लेकिन ये आइटम जो है वो फाउंटेन हेड पैलेस में एक साइड क्वेस्ट में यूज़ होगा, साइड क्वेस्ट में भी यूज़ होगा, और एक एनिमी को भी डिफीट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये। तो ये हो चुका, और अब हम लोग मूव कर सकते हैं यहाँ से आशीना डेप्थ्स। और मैं स्टार्ट करूँगा उसी जगह से जहाँ से हम लोगों ने करप्टेड मॉन्क को हराया था। ओके सो इग्नोर करेंगे इन सबको, और यहाँ से चलें पानी में।
ये एक्चुअली वाटरफॉल का स्टार्ट है। हमने मीबू विलेज में इसलिए मतलब पूरे मीबू विलेज के पास से पानी बहते हुए देखा है। तो ये बेसिकली स्टार्ट है उस जगह का जहाँ पे हम लोग एक्चुअली पानी में एंटर हो सकते हैं। एक और प्रेशियस पेट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डाउन द स्ट्रीम हम लोग मूव करते जाएंगे। रास्ते में जितनी भी लूट पिक हो सकती होगी उसे पिक करते हुए। यहाँ से मजीद नीचे ये फिश ये नीचे गिरने का टाइम आ गया है। और अब ये हम मेन उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं मीबू विलेज वाला। तो यहाँ पे अब काफी कुछ होगा। और ये एक चीज हमें जरूरी चाहिए थी, जो अबैंडन डंजन के अंदर सर्जन था उसके क्वेस्ट को आगे कंटिन्यू करने के लिए ये चाहिए था हमें। इसीलिए मैंने अबैंडन डंजन वाला जो मतलब डाइव करने वाली लूट थी उसको लास्ट में रखा है, क्योंकि लास्ट में अबैंडन डंजन में हम लोग लूट अंडर वाटर पिक करके फिर जो सर्जन का क्वेस्ट है उसे भी थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेंगे। लाइट कॉइन पर्स और लाइट कॉइन पर्स आई गेस वी आर डन। चलें, इन केस अगर कोई चीज़ रह भी गई है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उस चीज़ को मेंशन कर दूंगा। सो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट में मुझे बता दें कि भाई ये चीज़ तुम भूल गए हो, रिकवर करो या मेंशन करो जैसे भी। तो यहाँ से अब हम लोगों ने जाना है अबैंडन डंजन और बॉटमलेस होल। ओ नहीं, गलत आ गया हूँ मैं। अंडरग्राउंड वाटर पे कोर्स, पानी में हम लोगों ने वो करना है और मैं किधर फास्ट ट्रैवल करता फिर रहा हूँ यार, हद हो गई। ओके तो वाटर होल के करीब और यहाँ पे आके अब डाइव करेंगे। आओ आओ आओ, अगर तुम्हें सूझी ही है फाइट करने की तो टाइम वेस्ट मत करो मेरी वीडियो का। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। कॉइन पर्सेस, उसके अलावा यहाँ से मूव करते हैं हम लोग आगे। बट उससे पहले मैं देख लूँ कि यहाँ पर से कुछ और पिक किया जा सकता है या नहीं। पहले मुझे नहीं लगता कि कुछ पिक किया जा सकता है। मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूं कि मैं कोई चीज पीछे छोड़ के नहीं जा रहा। ऑलराइट, तो वापस चले उसी तरफ। सिरेमिक शार्ड और इस पाथ को आगे कंटिन्यू करें। एप्पल बलून, और एक्चुअली जहां से अब हम एक्सेस कर सकेंगे उस सेल को जहां पे ये इन लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। क्लासिफाइंग एजेंट और एक पॉट। तो ये जनाब साहब हमारे वो सैमुराई साहब हैं जिनको हम लोगों ने धोखा दे के यहाँ भेजा था। और मज़े की बात यह है कि हम लोग अब इस डोर को ओपन करके यहाँ से बाहर जा सकते हैं और ये हमसे मतलब कुछ कहेगा भी नहीं कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, आई मीन तुम यहाँ अलाउड नहीं हो। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे हैं तो ये लोग आ रहे हैं
इससे पहले के मिड डायलॉग या मुझे तंग करें इनको मार लें। ना इन्होंने तंग करना था हमें। ऑलराइट अब हमारे पास क्योंकि वो रेड आईज कार मतलब कार पाइज है सो कानून दमो यस इधर आओ इधर 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 शिकातो ओके तोरी शिमाशिता कोरे दे सेजुत्सु गा माता शितो कित्तो शिशो वा दामा शिशो नो योना कोकोरो मोची नी どうしてもなれぬ道順この未熟者め、うん、ああお気になさらずこれもアシナのためなのだ忍びのお方 Thank you مزید grave wax okay, definitely ہمیں چاہیے تھی advanced upgrades کے لیے so, چل کر rest کریں اور دیکھیں کہ اس کا experiment actually اب کہاں تک پہنچا और मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड में इसका क्वेस्ट हम एंड कर देंगे। आजा 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 खत्म Okay, maybe ये क्वेस्ट लाइन जो है वो उस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के बाद आगे चले तो मैं एक बार बस फिर से रेस्ट करके इससे बात करके देखता हूँ कि ये मज़ीद आगे क्वेस्ट प्रोसीड होता है या नहीं होता। नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में जाके शेल्टर स्टोन पिक करेंगे जो कि स्टोरी को बहुत आगे तक एडवांस कर देगी मतलब बहुत आगे के मुराद यह है कि मेजर इवेंट्स चेंज होंगे वर्ल्ड में। तो जैसे कि डिवाइन चाइल्ड ऑफ रिजुविनेशन वाला क्वेस्ट अभी तक रुका हुआ है और ये क्वेस्ट भी ओ तो ये बंदा अब नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट तो क्वेस्ट चलेगा आगे। お主がなるのだ。おやめください。やはりこれはもはや井戸からは何故このようなことを。ああ師匠。我が師匠。答えてください。なぜか、なぜ答えない。上作。いや、とばちへけ、インカジョ、エクスペリメント चल रहा था वो फेल हो चुका है और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वो हमारा सैमुराई दोस्त हमें नहीं नज़र आया उस सेल के अंदर तो वो एक्चुअली हमें मिलेगा यहाँ पे क्योंकि अब हॉस्टाइल होगा और हम उससे अब चल के फाइट कर सकते हैं। सो बिल्कुल इसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो जो सैमुराई जनरल्स हैं उनके जैसा है। बेहतर यह है कि इसे यहाँ पे अब डील कर लिया जाए बिना किसी परेशानी के मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसे फाइट करने में। ऑलराइट तो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ आते हुए रेस्ट ना करो क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी क्योंकि जैसे ही आप रेस्ट करोगे तो क्वेस्ट जो है वो एक तरह से मज़ीद आगे प्रोग्रेस कर जाएगा और हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट सब्जेक्ट था वो भी इस तरह से मैड होके हमें उसी जगह मिलेगा जहाँ पे अभी हम उस सैमुराई को हरा के आए हैं। तो जब ये दो लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो दो से सेम टाइम पे फाइट करना यू नो
बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑलराइट, एक रेड लैम्प। तो मेरे ख्याल से मुझे एक दफ़ा फिर से रेस्ट करके आना पड़ेगा उस सर्जन को यहाँ अपेयर करवाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब इन लोगों से फाइट की थी अपने पहले प्ले थ्रूज में, तो मैं यही गलती कर रहा था कि ये दोनों लोग यहाँ पे इकट्ठे मौजूद होते थे और जो वो फाइट से लील करती थी, मुझे मुझे पता है। बहरहाल इससे पहले कि रेस्ट करने चल के देखें कि क्या हालात चल रहे हैं वहाँ सेल के अंदर। ओह, ये स्टिल खड़ा यहाँ पे रो रहा है। तो अब फिर से रेस्ट करके देखते हैं कि ये मूव करता है यहाँ से कि नहीं। ओह नो, ही इज स्टिल देयर। बहरहाल ऐसा करते हैं कि इसको बाद के लिए बचा लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि ये इसको मतलब क्वेस्ट को अभी हम ख़त्म करें। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चल के शेल्टर स्टोन पिक करेंगे और यहाँ से दोबारा हम लोगों ने प्रोग्रेस करनी होगी अशीना कासल की तरफ। सो मेजर स्टोरी चेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और मेरे ख्याल से अगर हमारी प्रोग्रेस सही रही तो नेक्स्ट एपिसोड में ही हमारी पहली एंडिंग हो जाएगी गेम की। बहरहाल वो बात की बात है। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई चीज़ जो है वो मिस कर दी है अंडर वाटर एरियाज के अंदर, सो प्लीज़ कमेंट में छोड़ देना, मैं डेफिनेटली मज़ीद जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में उसको पहले मेंशन कर दूंगा, जाके दिखा दूंगा कि भाई ये चीज़ रह गई थी, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी जो मेन आगे स्टोरी लाइन है उसे कंटिन्यू करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।